राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। हमारे बीच में आज JVP मीडिया ग्रुप की इस ज्ञान यात्रा में विशेष मेहमान के रूप में आई है सम्माननीय भारती जी कुमावत, जो शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके साथ साथ जनहित के मुद्दों पर राजस्थान पत्रिका की जन प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत नमस्कार। किवाड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ याद किया जी। और इनसे जानेंगे कुछ समसामयिक मुद्दों पर बातचीत, और उसके साथ ही मेरी जो विशेष रूप से रुचि रहती है कि वर्तमान दौर में जो लगातार एक नशे का कारोबार बहुत भयंकर बढ़ रहा है, जिसके कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, परिवार तबाह हो रहे हैं, समाज में विकृतियां आ रही है और कई तरह के विकार से समाज और पर्यावरण दोनों दूषित हो रहे हैं। इसके साथ ही जो सरकार की कुछ नीतियां हैं जो व्यवहारिक न होकर कहीं न कहीं पर्यावरण को और जनमानस को नुकसान पहुंचा रही है, सरकार के पिछले 4-6 महीने के फैसले जो नई सरकार बनने के बाद में लागू हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों एक आंकड़ा आया कि 12,000 से ज़्यादा दुष्कर्म के मामले राजस्थान में दर्ज हुए हैं, जो बहुत बेहद चिंताजनक है। तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैडम, आप अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से आप शिक्षाविद के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और राजस्थान पत्रिका की जन प्रहरी के रूप में काम कर रही है। सर्वप्रथम तो मैं अपना जो बुनियादी व्यवसाय है, मैं उसी के बारे में बातचीत करना पसंद करूंगी। मैं, आपने जैसा कि मुझे बताया, एक शिक्षाविद के रूप में, तो मेरा लगाव महिला शिक्षा के प्रति और महिलाओं की जागरूकता के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से ही। जहाँ भी मेरी कर्मस्थली रही, जहाँ मैं पोस्टेड रही, वहाँ मैंने हमेशा लड़कियों की शिक्षा पर बातचीत करी। उन बच्चियों की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, इन सब के मद्देनज़र मैंने हमेशा उनको प्रोत्साहित किया और इसका मुझे ज़बरदस्त फल भी मिला है जी। अब आप शिक्षा सेवा से, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है जी। तो किन मुद्दों को लेकर आप सोचती है, चिंतन करती है कि समाज में ये परिवर्तन होने चाहिए, सरकारों को इस तरीके से पॉलिसीज बनानी चाहिए, इस तरीके से क्रियान्वित करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छी बात रखी किवाड़ा जी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं आप उनको बहुत पकड़ कर रखते हैं। और इसी पर आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकारें चुनाव से पहले जो मुद्दे रखती हैं वो तो गौण हो ही जाते हैं चुनाव लड़ने के बाद, लेकिन जिसकी पृष्ठभूमि में हम जी रहे हैं, जैसे हमारे युवा जिनका आज वो करीब करीब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, बहुत नकारात्मक उनकी सोच हो जाती है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है नशा। आए दिन हमारे अखबार इसी से रंगे रहते हैं कि आज फला बरात की बस पलट गई जी। और आत्महत्याएं हो रही है ज़बरदस्त, इनका मूल कारण उनकी मानसिक विकृतता है, जिसके पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी सारी सरकारों को, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो जी, इस युवा मुद्दे को बिल्कुल पृष्ठभूमि में रखते हुए कार्य करना चाहिए। कहीं से भी ये मादक द्रव्यों की तस्करी होती है, माफिया बन गए हैं, इन पर बहुत सख्ती से रोक लगानी चाहिए, तब जाकर हमारे युवा अपनी रीढ़ पर मजबूती से खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल मैडम, अभी पिछले दिनों हीट वेव और जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा दृश्य देखने को मिला, सरकारों ने कई सारी चेतावनियां दी, लेकिन जिस तरीके से प्राकृतिक वन संपदाओं का अति दोहन हो रहा है और अवैध खनन के काम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति असंतुलित हो रही है, तो प्राकृतिक वन संपदाओं का भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में भी विशेष उल्लेख है, तो इस पर किस तरीके से आप सोचती हैं और क्या क्रियान्विति चाहती है कि उससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे? वास्तविकता बिल्कुल जुड़ी हुई है कि जो सरकारें होती है मेनली इनके संरक्षण में ही भूमाफिया संवर्धित होते जा रहे हैं। हमारी जो अरावली या जो भी पर्वतमालाएं हैं और जो स्थानीय स्तर पर हम जिनको देखते हैं, आज धीरे धीरे वो विलुप्ति के कगार में है। आए दिन हम ये समाचार पढ़ते रहते हैं कि आज फलाना तेंदुआ फलानी बस्ती में घुस गया जी। इसके पीछे वन दोहन और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण न होना ही मुख्य मुद्दा है। चूंकि हम उनकी जगह पर पसरते जा रहे हैं, भूमाफिया हैं, उनका बिल्कुल उनका सर्वनाश करके और वहाँ पे ज़मीनें अलॉट हो रही है जो सरकार से भी छुपी हुई नहीं है, लेकिन किसी न किसी पावर के चलते
निरंतर इनका ह्रास हो रहा है और वन संपदा को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, जिसका कारण ये हीट वेव जो आज हम 15 दिन से कई लोग काल कवलित होकर हीट वेव का ग्रास बन चुके हैं, जब तक सरकार इन पर सख्ती से एक्शन नहीं लेगी ये आगे भी चलता रहेगा और पनपता रहेगा। और मैं युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण की तरफ लगाएं। अभी महिला सशक्तिकरण को लेके सरकार ने अपनी कार्यविधि का एक विजन भी रखा है, लेकिन पिछले 4 महीने में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 12,000 से ज़्यादा दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं और अन्य कई आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये बड़ी चिंताजनक है। किस तरीके से समाज की मानसिकता में बदलाव हो, बच्चियाँ सुरक्षित हो, महिलाओं का सम्मान बढ़े। एक्चुअल में ये जो नीतियाँ बनती है ये सार्थकता सिद्ध नहीं कर रही हैं, जो मुजरिम हैं उन पर सख्त अंकुश लगा ही नहीं पा रही है। जिनकी भी मानसिक विकृतता की स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, और इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होते हैं इस पर गवर्नमेंट को बिल्कुल सख्ती से आवश्यक एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं तो राजस्थान इन दुष्कर्म पीड़िताओं के रूप में नंबर 1 पे छाया हुआ है, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। और एक महिला होने के नाते मैं तो पुरजोर कोशिश करती हूँ, और चूंकि मैं मानव अधिकार आयोग में भी काम कर रही हूँ तो मेरा पहला मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही है, और इस पर सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। जी, एक मैडम, अभी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, प्रतिभाशाली बच्चों का हौसला बढ़ाना हम सबका दायित्व, सरकार का भी, समाज का भी, जो जागरूक और शिक्षित लोग हैं उनका, विशेष रूप से अपने जैसे लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो आप जिस इलाके में मालवीय नगर में रहती है उस भी वार्ड क्षेत्र के बच्चों के प्रतिभा प्रोत्साहन का कार्यक्रम करें, ऐसी हमारी राय है। प्रतिभा प्रोत्साहन के कार्यक्रमों को किस तरीके से देखती है, क्योंकि आप सामाजिक और शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों में जाती है, तो प्रतिभा प्रोत्साहन की श्रृंखला को, जो हमारे जेवीपी मीडिया की भी एक अहम कड़ी है, इसको किस तरीके से देखती है? जेवीपी मीडिया ने आज मुझे बुलाया है और इस पर आपका बहुत अच्छा फोकस है, क्योंकि हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मैं वार्ड 129 की निवासी हूँ और मेरा बिल्कुल ये फोकस रहेगा कि मैं मेरे वार्ड की प्रत्येक फैमिली से जाकर मिलूं, और जो भी बच्चे, लड़के अथवा लड़कियां 10वीं और 12वीं में 80% या जिन्होंने अपने घर का और विद्यालय का नाम रोशन किया है उनको मैं अपने स्तर पर सम्मानित करना चाहूँगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप ज़रूर पधारें, ताकि मेरा हौसला बुलंद होगा। बिल्कुल, हमारा 5 और 6 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है उस पर हमारे गांव ग्राम किवाड़ा तहसील निवाई जिला टोंक में लोकदेव श्री राला बाबा का धाम है, वहाँ पर हम राष्ट्रीय शिक्षा कला और संस्कृति मेला कर रहे हैं, जिसमें भी विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मान है, समाज की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रस्तुतिकरण है, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो ऐसे शिक्षा कला और संस्कृति के उत्सवों को किस तरीके से आप देखती हैं, उसके लिए भी आपकी ब्लेसिंग और शुभकामनाएं। मैं आपका बिल्कुल साधुवाद करती हूं कि जो राला बाबा धाम किवाड़ा में आप 5 और 6 जून को सम्मान समारोह और ये बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए बड़े लोगों को बुला रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी विलुप्त होती हुई लोक कला और संस्कृति को आप पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको इस कार्यक्रम में शिरकत करनी चाहिए, ताकि ये हौसला मिलता रहे और हमारी लोक कला को प्रोत्साहन। बिल्कुल, तो आप सब भी पधारिए 5 और 6 जून को, 5 जून की संध्या और रात्रि में भजन संध्या है, लोक कला का प्रदर्शन है, अतिथियों का सत्कार सम्मान है, और 6 जून को दिन में विशेष प्रतिभा सम्मान समारोह और कुछ एजुकेशनिस्ट के साथ में मोटिवेशन सेमिनार्स का भी आयोजन है। तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन, और आदरणीय भारती जी से बात करके निश्चित रूप से भारत की तस्वीर और तकदीर में सकारात्मक योगदान दे सके, इस बात के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।